वेलकम बैक इन माय न्यू चैनल दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसिविल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों अभी मेरी सैटरडे को बैच थी, मैंने आप सबको बताया था 3ds मैक्स की बैच थी, और अचानक से मेरे सॉफ्टवेयर ने धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया उसने? सॉफ्टवेयर अचानक से ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक होने का रीजन ये था कि सॉफ्टवेयर की कुछ फाइलें करप्ट हो गई थी। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता होगा कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता होगा, और फिर जब आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फंक्शंस को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। यही हुआ, मैं 3ds Max की बैच मेरी थी सैटरडे को 7 o'clock पे, मैं 6 o'clock पे ओपन किया सॉफ्टवेयर और करप्ट, मेरी क्लास कैंसिल, मैं ब्लैंक किया, मैं क्या करूं। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने उसको जानने की कोशिश किया, तो बाद में पता चला कि मैंने एक सेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिसको मैंने ब्लॉक नहीं किया था, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो चलो मेरी प्रॉब्लम है, आप सबकी बहुत से प्रॉब्लम्स आती रहती है, मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग भेजते रहते हैं कि सर मेरा सॉफ्टवेयर था, मैं अब इंस्टॉल कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। आपने किया था वही सेम सॉफ्टवेयर, आपका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? या मेरे दोस्त ने यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसका हो गया था, मेरा नहीं हो रहा है? कभी जानने की कोशिश किया कि ये ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आप सबके लैपटॉप में एंटीवायरस होता है, करेक्ट? तो एंटीवायरस क्या करता है, कभी कभी आपके सॉफ्टवेयर में से कुछ भी डाटा, अगर उसको समझ में नहीं, आपने सॉफ्टवेयर का सेटअप रख दिया है नॉर्मल, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उसको लग रहा है कि एक वायरस है, तो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको उड़ा देता है। और जब आप इंस्टॉल करने के लिए जाते हो तो इंस्टॉलेशन में वो फाइल रहती ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी फाइल करप्ट रहती है, और आप जब उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, आपके दोस्त के लैपटॉप में हो गया था, आपके लैपटॉप में नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे रखना चाहिए सॉफ्टवेयर के सेटअप, जो भी हम लोग सेटअप है हमारे पास, 3ds Max हो या फिर AutoCAD हो या XYZ, तो उसको रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिप फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो डेट आप वैसे ही जिप करो। अब मैं बात करता हूं अपनी प्रॉब्लम का, जो मेरे साथ सैटरडे को हुआ था, और उसका भी क्या सोल्यूशन है उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो सैटरडे को हुआ था, वो हमारी जो नेट, हम लोग नेट चला के सॉफ्टवेयर को चला रहे थे, तो हमारी कुछ फाइलों को उसने क्या कर दिया था, करप्ट कर दिया था। फायरवॉल करके एक ऑप्शन होता है, आप सब में से कई लोगों को पता होगा, फायरवॉल ब्लॉक था, और हमने ब्लॉक किया था ETAP के लिए किया था, स्टैट के लिए किया था, बट फायरवॉल मैंने ब्लॉक 3ds Max के लिए नहीं किया था। उसकी वजह से मेरी फाइल क्या हो गई, करप्ट हो गई। उसकी वजह से बैच आज से स्टार्ट हुई और इतना लेट हो गया, मतलब संडे मंडे, क्योंकि मुझे डाउनलोड करना पड़ा, बाकी मेरे को कहीं जाना भी था, तो वो सब रीजन से लेट हो गया, और आज से बैच स्टार्ट हुई। अभी भी अगर किसी को बैच में, लाइक अभी 3ds Max किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैं बीच में आ नहीं पा रहा था, आपको पता है मेरे कई कॉन्टेक्ट चल रहे थे, उसकी वजह से मैं बिजी था। तो किसी ने अभी अगर 3ds Max की बैच में ज्वाइन करना है, तो मॉर्निंग 7 to 8 है, फटाफट कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी तो एक ही दिन का हुआ, और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि मेरे क्लास के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी तो मिल जाते हैं आपको, तो वो इतना कवर अप कर सकते हो। तो फायरवॉल अगर आपने ऑफ नहीं किया है, मतलब अपने सेटिंग्स, अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए ब्लॉक नहीं किया है, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान से देखना और कर लो। हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, चाहे 3ds Max हो, चाहे ETAP हो, चाहे स्टैट हो, चाहे AutoCAD हो, चाहे रेविट हो, सबके फायरवॉल को ब्लॉक करके रखो, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को कैसे सेटअप को रखना है वो भी मैं दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना यार, जिससे कि सारे स्टेप्स भी क्लियर हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, सारंग ने पूछा था कि सर आपका जो प्रोजेक्ट है, आप जब लेते हो तो उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो, कैसे कैसे प्राइजेस डिवाइड करते हो, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तो भी देखेंगे। पहले देखिए फायरवॉल को कैसे ब्लॉक करना है उसमें अपने सॉफ्टवेयर को, और साथ ही साथ कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है तो उसको कैसे हम लोग रखें डेस्कटॉप के अंदर, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं उसको और समझते हैं। दोस्तों ये था मेरा 3ds Max सॉफ्टवेयर, जो मेरी क्लास से पहले ब्लॉक हो गया था। अब इसको, इसका फायरवॉल कैसे ब्लॉक करेंगे, मेरा ब्लॉक मैंने किया था, अनब्लॉक कर दिया है, मैं फिर से आपके सामने करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमको इसको फायरवॉल को ब्लॉक कर देना चाहिए। तो आप, आपके पास सर्च बॉक्स सबके पास होगा, यहाँ पर डालिएगा फायरवॉल, और यहाँ पे फायरवॉल पे जाएंगे तो यहाँ पे फायरवॉल की सेटिंग्स आ जाएंगी, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप डायरेक्ट, और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये इसकी कंप्लीट सेटिंग ओपन होगी। और यहाँ पे ब्लॉक करना कंपलसरी है, तो सो आप लोग हर एक सॉफ्टवेयर को अपने ब्लॉक कर दीजिए यहाँ पे, सो दैट कि आपको कभी भी ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर ब्लॉक नहीं हुआ और आप करप्ट हो गया। तो देखिए ओपन हो गया ये, और जैसे ही ओपन होगा तो इस तरीके से विंडो दिखती है। इसमें सबसे पहला काम आउटबाउंड रूल, यहाँ पे जाना है आउटबाउंड रूल्स पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे दिखता है न्यू रूल, क्या दिखता है,
न्यू रूल ऑलरेडी आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने ई टैप्स को ब्लॉक कर रखा है, आरसीडीसी को ब्लॉक कर रखा है, टेक्ला को ब्लॉक कर रखा है। इसी तरीके से आपको सारे सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करके रखना है, अगर नहीं किया तो आपका भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। न्यू रूल, और न्यू रूल पे जाके यहाँ पे प्रोग्राम, और यहाँ जाके जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछता है कि कौन सी फाइल है, तो आपको ब्राउज करना है और बताना है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि हम लोग का कौन सा सॉफ्टवेयर है, 3ds Max है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे कहाँ पे, प्रोग्राम फाइल्स पे, और प्रोग्राम फाइल्स में आई थिंक 3ds Max हमारा होना चाहिए। ऑटोडेस्क है क्या यहाँ पे, ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क में 3ds Max 2015, और यहाँ पे जाके आपको मिलेगा 3ds Max का सेटअप। देखिए कहाँ पे है, ये है 3ds Max। तो जहाँ पे भी आपका 3ds Max है वहाँ पे आपको जाके पहुँचना है, और पहुँच के क्या कर देना है, ओपन। तो देखिए 3ds Max आ चुका है यहाँ पे। फिर से हम नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछेगा ब्लॉक द कनेक्शन, आपको ब्लॉक कर देना है, और इसके बाद ये सब कुछ टिक रहेगा ही रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर था। ये था 3ds Max 2015, कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, और फिनिश कर दिया। जैसे फिनिश करेंगे आप देखिए आप क्या हो गया, आपका 3ds Max ब्लॉक हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों मस्ट वी रिमेंबर, आपको सारे सॉफ्टवेयर ब्लॉक करके रखने हैं, और ब्लॉक करके रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ जो दूसरी गलती आप लोग से होती है वो ये होती है, मेरे से भी होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाऊँ मेरे सॉफ्टवेयर के सेटअप जो होंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर मेरे पास होंगे, अब इस सेटअप में देखिए मैंने यहाँ पे टेक्ला स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो कि यहाँ पे अलग अलग ओपन है, मतलब ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, किसी भी फाइल को सॉफ्टवेयर का वो एंटीवायरस करप्ट कर सकता है, या फिर लैपटॉप के अंदर कोई वायरस आया तो इसको करप्ट कर सकता है। बट अगर इसको जैसे मैंने ईजी स्क्रिप्ट प्रो को रखा है, अगर इसी तरीके से इसको राइट क्लिक किया हमने, और राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू, और यहाँ पर जाके हमने कॉम्प्रेस्ड फाइल कर दिया, कॉम्प्रेस्ड फोल्डर्स कर दिया, तो तुरंत ये जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अच्छी बात ये होगी कि इसकी साइज़ भी कम हो जाती है, और मतलब आपके लैपटॉप में इसका स्टोरेज कम लगेगा, और दूसरी चीज़ अब इसको कोई भी एंटीवायरस करप्ट नहीं कर सकता, एक तरीके से प्रॉपर ये लॉक हो जाएगा, और उसका आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि यार चलो लॉक हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है, सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। तो ये दोनों सेटिंग्स को अगर आप देखिए, अभी बन रहा है फाइल, अभी यहाँ पे 2 मिनट लगेगा, और ये फाइल आपकी करप्ट नहीं होगी कभी भी। आप देखना चाहें तो इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आएगी, जो भी आएगी उससे कम होगी इसकी प्रॉपर्टी। डबल जीप भी कर सकते हैं, बट सिंगल जीप सफिशियंट है। 2.74 GB कितना है, 2.74 GB है, और इसको अभी देखते हैं, होने के बाद दिखाते हैं आपको कि कितना आपके फाइल को कम लगता है। तो ये हम लोग अभी 4 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, आई थिंक हो जाएगा जल्दी ही। तो ये देखिए कम्प्लीट होने वाला है, ये लगभग 30 सेकेंड और शो कर रहे हैं, तो जैसे ये कम्प्लीट होगा, रिमेनिंग्स 30 सेकेंड, तो हम लोग देखेंगे कि इसका साइज़ कैसे चेंज हो जाता है, और कितना उसका फ़ायदा होता है आपके लाइक हार्ड डिस्क पे पावर पे इफेक्ट भी नहीं जाएगा। आप चाहें तो डबल जीप कर सकते हैं, अगेन राइट क्लिक सेंड टू फिर से करेंगे तो आपके डबल जीप। तो मैं कुछ कुछ फाइलों को मैं डबल जीप में रखता हूँ, अगर हमें बहुत बड़ी फाइल है उसको छोटे में रखना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि डबल जीप में कर दो, अदरवाइज सिंगल जीप में भी आपकी पूरी फाइलें सेफ रहेंगी। अभी देखिए 10 सेकेंड दिखा रहा है, क्योंकि लगभग 3 GB का था तो इसलिए टाइम लेता है। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये, लेकिन आप लोग ब्लॉक जरूर कर दीजिएगा, ब्लॉक नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके मैंने एक एक स्टेप बता दिया, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को सेफ रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम इंस्टॉल करना हो कभी, फट से एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके तुरंत इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हमारा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट हो गया, और मतलब हमने क्या किया, इसको जीप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो वही सेम फाइल थी, इसकी साइज़ क्या है, 2.74 GB है, बट इसी चीज़ को जब हमने जीप में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, ये हो गया 2 point something दिखा रहा था, पे 2.71 हो गया, 71 GB हो गया। अब डबल जीप करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाती है फाइल, और प्लस सेफ भी है, तो ये अच्छी चीज़ होती है। डबल जीप करने का तरीका क्या है, अगेन 72 कंप्रेस कर देंगे, बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकन होता है, आप कर लीजिएगा। अब इसको कभी ओपन करना हुआ तो क्या करिए, राइट क्लिक और यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट टू टेक्ला स्ट्रक्चर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेम ऐसे ही फाइल खुल जाएगी। तो इन दोनों सेटिंग्स को आप लोग यूज़ करिए, आपके सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और
आपको इसको करके ही रखना है, आपके लिए ही बेटर रहेगा। आया कि हम लोग छोटी सी गलती करते हैं, हमें पता नहीं रहता कि यार इस गलती से क्या होगा। बाद में रिजल्टेंट ये होता है कि पूरा का पूरा बैच, मान लो मेरे बैच में 10 लोग हैं, तो 10 लोग वेट कर रहे थे कि यार 100 क्लास चलेगी, और छोटे से कारण लॉस इतना बड़ा हो जाता है। सो प्लीज ऐसी गलती मत करिए, आप सारे सॉफ्टवेयर को लॉक करके रखिए, मतलब प्रॉपर ब्लॉक करके रखिए जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर के आपके पास सेटअप्स हैं उनको जिप फाइल में कन्वर्ट करके रखो, जिससे कि वो कहीं से भी करप्ट ना हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और एक छोटा सा सोल्यूशन बता देता हूँ, इनकेस अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो बहुत ही इजी सोल्यूशन से उसको अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। वो क्या करना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ नेट को ऑन रखना है और उस टाइम पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने पे लगाना है। उससे क्या होगा, उससे नेट के थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फाइलें मिसिंग होगी वो सॉफ्टवेयर उठा लेगा और उसको अपलोड कर देगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर फाइलें सारी हैं तो फिर मत करना नेट ऑन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फाइलों को करप्ट भी करता है। जब इंस्टॉल नहीं हो रहा है तब के लिए मैंने सोल्यूशन बताया आपको कि नेट ऑन करके आप करो, तो आपकी सारी फाइलों को क्या करता है, उठा लेता है वो, गूगल से डाउनलोड कर लेता है बैकअप से, और आपके लिए फायदा हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरे इस चैनल पे सिविल से रिलेटेड बहुत ढेर सारे, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होता कि हम किसी का कॉपी पेस्ट, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, और साथ ही साथ एक राइटर भी हूँ। तो जो भी मेरे पास जर्नी है, उस जर्नी में जो भी मैं सीखता हूँ डेली, मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके पास आता हूँ और उसको शेयर करता हूँ। अभी तक थोड़ी सी कंटिन्यूटी मेरी नहीं बन पा रही थी, बट अभी मेरी लगती है कि पूरी 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 कंटिन्यूटी बनने वाली है प्रॉपर, और हम आपको डेली वीडियो शेयर करने वाले हैं और डेली हम लोग नई नई चीज़ों को देखेंगे। एक और रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है आकाश पांडे ब्लॉग करके, अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस चैनल पर जाना और उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज, जो भी मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मैं कॉन्टेंट लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, घर बनाता हूँ तो कैसे बनवाता हूँ, घर कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप उसको देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि हाँ यार ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ों का हमको अच्छे से ध्यान रहेगा तो हमारे लिए नॉलेजेबल रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और इंडिया को आगे बढ़ाओ। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ा लो। खुद को सक्सेस बनाया तो इंडिया की जीडीपी भी बढ़ जाएगी, इंडिया अपने आप ग्रोथ करेगा। जय हिंद, जय भारत वंस अगेन।